और मैं भी खा सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है खाने में और ये सभी लोग खा सकते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी दो पेड़ों का सीजन है और उस पेड़ के अंदर दो कुछ खाने की चीज़ें उगी है, क्योंकि अभी उसका सीजन है। इसलिए वो मुझे नहीं पता ये पेड़ किस किस गाँव में है और किस किस गाँव में नहीं। मुझे लगता है गुजरात और राजस्थान में तो मैंने खुद ने देखा है, और दूसरे गाँव में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि ये कौन से पेड़ है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ब्लॉग वीडियो इतना लेट क्यों आता है। मेरे पास ऐसे कोई लोकेशन थी नहीं जो कि मैं वहाँ का ब्लॉग शूट करके आप तक पहुँचा सकूँ। मेरे पास ऐसे कोई लोकेशन भी नहीं थी, और हमारे जो कॉमेडी चैनल है वहाँ पर हम कॉमेडी वीडियोज़ बनाते हैं, इसके कारण इस चैनल पर वीडियोज़ नहीं आ पाते हैं। तो मैं अब की बार इस चैनल पे वीडियोस आएंगे और रोज़ भी आएंगे, रोज़ ब्लॉग आएगा। तो दोस्तों, रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो पक्का आ जाएगा। तो अब चलते हैं उस दो पेड़ों की तरह जो कि अभी उन लोग उनका सीजन है, जो कि उसके अंदर खाने की चीज़ उगी है, तो हम उसको खाएंगे और आपको भी बताएंगे। इसका नाम है खेजड़ी, और इसके अंदर जो भी खाने की चीज़ है वो है क्या है उस वो है संगरी। इसके मिलती वो है संगरी। तो आज इस पेड़ के पेड़ पे चढ़ेंगे और वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये पेड़ बहुत ही बड़ा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। यहाँ पे ऊपर चढ़ेंगे और दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये है जो इसका सब्जी भी बनाया जा सकता है, इस सब्जी भी बनाया जा सकता है, और सब्जी इसकी बहुत ही अच्छी बनती है, और ये भी खाने में बहुत अच्छी है, खाने ऐसे भी खाने में बहुत अच्छी है। और हाँ, इसको बकरियां भी खा सकते हैं और इंसान भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी खाने में। और इसकी सब्ज़ी तो लाजवाब बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है इसकी सब्ज़ी। और ये जो है ये बकरियां खाती है, ये भी खा सकती है, और ये संगरी भी खा सकती है, और मैं भी खा सकता हूँ। तो अगला पेड़ है जो कि वो आपको दिखाने जाएंगे अब। तो उसका तो यहाँ से दूसरा पेड़ है जो कि वो ये क्या है कि यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही है, सूरज उधर सूरज है, इसलिए इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऊपर चढ़ेंगे और आपको सब दिखाएंगे। इसके अंदर बहुत ही अच्छे खाने की चीज़ है, और मैं यहाँ से भी आपको दिखा सकता हूँ। ये बीच में आ रहे थे इसलिए इसको काट दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे ये देख सकती हूँ कितने अच्छे अच्छे हैं और बहुत ही सारे। तो इसके अंदर एक कुछ मैंने इसको तोड़ लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि ये हैं जो कि इसको हम खाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बीज नहीं खाना चाहिए, और इसके जो कि ऊपर वाला हिस्सा है वो खाना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरा ये तो बहुत ही अच्छा है खाने में, और ये सभी लोग खा सकते हैं, उसको बकरियां भी खा सकती है, उसको इंसान भी खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी है। एक एक खाओगे तो मुंह में छला हो जाएगा, इसके लिए इतने सारे मुंह में डालेंगे। बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे हैं खाने में, और ये अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी पेड़ पे मीठे होते हैं और किसी पेड़ पे मीठे नहीं होते, और किसी किसी पेड़ पे तो इसका कलर ही दूसरा होता है, कभी लाल कभी पीला ऐसा कलर होता है, दो कलर है, एक तो लाल है और एक पीला है। और ये तो इतना लाल नहीं है, इस पेड़ पे इतना लाल नहीं हो गए, और एकदम लाल नहीं है, एकदम लाल वहाँ पर एक पेड़ है उस पर है। तो मैं आपको दूसरा पेड़ दिखाऊंगा इसका, जो कि पीले कलर के, जो कि यहाँ पीलू होते हैं, तो उस पेड़ को दिखाऊंगा। तो इसका नाम है पीलू, और इस पेड़ का नाम है, जो कि इसका पेड़ का नाम है जाल, जाल है, जाल है, जाल जो भी बोल सकते हो। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए खाएंगे और बाद में चलेंगे। तो दोस्तों, दूसरा पेड़ थोड़ा दूर है, लेकिन जाएंगे वहाँ पर भी, बहुत ही अच्छा है खाने में। और दूसरा पेड़ है जो कि वो उसमें पीले पीले कलर के पीलू होते हैं, तो वहाँ पे भी हम चलेंगे। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ घर पे, और मैं आपको बता दूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से वो पीले पीलू लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पर आपको बताऊँगा
यहाँ पे मैं इसके अंदर से लेके आया हूँ। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैंने, दोस्तों ये है पीले पीलू जो कि बहुत थी के, और वो लाल थे और ये पीले, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखने में। ये हैं लाल पीलू जो कि बहुत ही, ये भी बहुत अच्छे हैं खाने में, एक जैसे ही है, कोई तो मीठा है और कोई तो ऐसा है। तो यहाँ पे ये ऐसे पीलू है, सही से दोनों को मिलाने के बाद देखो ये ये ऐसा पीलू, ये लाल है और ये पीला है यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय बाय, जय हिंद जय।